खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 29/5/21 को जहां वैश्विक महामारी कोरोना ने अपना तांडव मचा रखा है, तो वहीं इस महामारी में जरा सा भी असावधानी बरतने वाले सीधे काल की आगोश में समा जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ ऐसे भी अराजक तत्व हैं जो किसी भी तरह से चंद रुपयों के लिए किसी के भी जान से खेलने से पीछे नहीं हटते, और नतीजन इनके चक्कर में पड़ने वाला व्यक्ति जान से हाथ धो बैठता है, जिसका उदाहरण अभी हाल ही में अलीगढ़ में देखने को मिला, जहां नकली व जहरीली शराब के पीने से कईयों की जान चली गई। उसी को देखते हुए सुल्तानपुर जिला पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली कि इस तरह की पुनरावृत्ति यहां ना हो। बताते चले कि उसी को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है, और सुल्तानपुर के समस्त थानों में यह भी कहा गया कि इस तरह के अपराधों को सघनता से तलाशी करें और उसको नष्ट करें। तो वही पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र द्वारा अवैध शराब के निर्माण, बिक्री व नकली शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर व समस्त क्षेत्र अधिकारी के पर्यवेक्षण में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जनपद के विभिन्न थानों द्वारा भारी मात्रा में लहन नष्ट कराया गया और संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। और मान निकलवा दे।